हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आइए आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। तो बच्चों, अब हम आपके टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं मैट्रिक्स, और उसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस को। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपके सभी के सभी एक्सरसाइज 3.1 के हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखते हैं आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अ मैट्रिक्स ए, आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, सभी इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं। पहला आपको फाइंड करना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा फाइंड करना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। दूसरा फाइंड करना है राइट द एलिमेंट्स, ये आपको शायद याद आ रहा होगा अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा होगा। मैंने आपको समझाया था कि A13, A21, A33, A24, A23 ये सब क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरी एडवाइस है कि आप उस पहले पार्ट को देखो, छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका इंट्रोडक्शन क्या था मैट्रिक्स का, इससे आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। उसमें क्या करना होता है कि रो काउंट करो कितने हैं, कॉलम काउंट करो कितने हैं, जितने रो होंगे जितने कॉलम्स होंगे उतने बाय उतने का ही क्या होगा, आपका मैट्रिक्स होगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके इसमें R1, R2, R3 तीन क्या है इसमें रो हैं, कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, 4, यानी C1, C2, C3 एंड C4, कॉलम कितनी है 4 है। तो इसका मतलब आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है क्या होता है, एम क्रॉस एन होता है, यानी ये कितना हो जाएगा 3/4, यानी आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 3/4, ठीक है। फिर बोला उसने द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं टोटल। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको काउंट करना है, काउंट नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कुछ ऐसा एलिमेंट्स दे दे, बड़े नंबर्स में दे दो, कैसे आप करोगे। तो सिंपल सी ट्रिक ये होती है कि जितने बाय जितने का आपका मैट्रिक्स है ना, उन दोनों नंबर्स की क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3, 4 = 12, सिंपल। यानी आपको किसी भी मैट्रिक्स के क्या करने हैं, एलिमेंट्स को फाइंड करने हैं, तो जितने बाय जितने का वो ऑर्डर होगा उन सभी नंबर्स को, दोनों मतलब ऑर्डर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू n, m की मल्टीप्लाई n में कर दो। तो वो क्या हो जाएगा आपका, एलिमेंट्स निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। काउंट भी कर लो, 4, 4, 8 और 4, 12 हो गया, ठीक है। तो काउंट नहीं करना है, ऐसे बताना है, ठीक है ना। फिर आता आपका थर्ड, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे मैं इसको रफ कर देता हूं। फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखा जाता है, A11, यानी पहला रो पहला ही कॉलम, ठीक है। इसको लिख सकते हैं A12, A13, A14, हो गए सारे। A14 मतलब क्या है कि पहला रो 4 कॉलम, तो पहला रो 4 कॉलम, ठीक है। फिर यहाँ आता है, इसको क्या लिख सकते हैं, A21, A22, A23, A24। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप जाके वहाँ देख सकते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा भी बताता हूँ मैं क्या इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे A21 लिखा, A21 का मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड रो ये है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम 35 की बात कर रहे हैं, यानी 35 अगर A21 हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 35। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी कैसे लिख सकते हैं, A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेम एज इट इज़। A32, A33 एंड A34, यानी इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, किसके, रो एंड कॉलम के ऑर्डर के फॉर्म में। तो अब जो जो वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो हमें फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A13, तो A13 देखो कहाँ पे है, A13 यानी थर्ड एलिमेंट्स फर्स्ट रो का, तो 1, 2, 3 ये थर्ड एलिमेंट है, यानी आपकी जो A13 की वैल्यू कितनी है, 19, ओके। फिर बोला उसने A21, तो A21 ये रहा सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 35।
A33 यानी थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम यानी इसकी वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, A24 तो A24 देखो कहाँ पे है, ये रहा A24 यानी सेकंड रो का फोर्थ कॉलम। तो फर्स्ट सेकंड रो का 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम, तो कितना हो गया 12, तो ये 12 हो गया। A23 तो A23 ये रहा, तो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, यानी आपका ये हो गया कि क्या करना है, आपके एलिमेंट्स फाइंड करने थे कि कौन से नंबर पे कौन सा, यानी जैसे मान लो A24 है यानी सेकंड रो का फोर्थ कॉलम कितना है, तो सेकंड रो का फोर्थ कॉलम 12 है। सेकंड रो देखो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब इसी पे क्या करता हूँ, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका क्या दिया हुआ है। जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट्स, यानी आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, यानी हमारे पास क्या है टोटल 24 मैट्रिक्स हैं, कि हमें दे रखा है कि 24 मैट्रिक्स होंगे, पूरे 24 मैट्रिक्स हैं, लेकिन हमें बताना है कि उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, वो कितने बाय कितने का हो सकता है, 2/3 का होगा, 4/4 का होगा, 5/4 का होगा, एक्सेट्रा कितने का होगा, कितने कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं, हमें वो बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे कि जो जितने बाय जितने का आपका मैट्रिक्स होता है, जैसे ये मैट्रिक्स कितने का था, ये मैट्रिक्स आपका 1 2 3, ये 3/4 का था। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करी था, टोटल एलिमेंट्स निकल के आ गए थे, ऐसा ही था। अब इसमें क्या कहा उसने कि उसने ये कहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्या कहा उसने क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कि आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं, टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, हमें बताना है कि इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। तो आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है चैप्टर, जैसे आप बचपन में पढ़ते आए हो क्लास 6 में 5th में, कि आपको क्या करने हैं, इसके पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, पॉसिबल फैक्टर्स। जैसे 24 है तो 24 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 24 को कि 2 × 12 24 होता है। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ 12 × 2 24 होता है। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ 1 × 24 मैं लिख सकता हूँ 24 × 1 ये भी 24 होता है। मैं लिख सकता हूँ 6 × 4 = 24 मैं लिख सकता हूँ 4 × 6 = 24 लिख सकते हैं ऐसे। और क्या क्या पॉसिबल बन सकता है आपका कि 3 × 8 = 24 8 × 3 = 24 है ना। और क्या सकता है, और भी है आपका, 6 का हो गया, चलो 4 का हो गया, 4 का भी हो गया। तो मतलब क्या क्या आपके पॉसिबल, आप मल्टीप्लाई करके 24 कितने कितने से आ सकता है, वही हो कि उसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। सिंपल, यानी 24 अगर आपके एलिमेंट्स हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, तो उसके इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं, कि वो आपका मैट्रिक्स 8/3 का हो सकता है कि 8 रो हो 3 कॉलम्स हो, 3/8 का हो सकता है 3 रो हो 8 कॉलम्स हो, या फिर 1/24 का हो सकता है कि एक ही रो हो और 24 कॉलम्स हो, लंबी सी लाइन बन गई। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि 24 × 1 हो सकता है कि 24 रोज हो और क्या हो, सिर्फ एक ही कॉलम, क्या बन गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इस टाइप से ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं ऐसे। और उसमें भी क्या पूछा था इसने क्वेश्चन नंबर 2 में, कि जैसे फिर से 24 का बोला था ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, फिर उसने बोला कि क्या हो अगर उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो 13, क्या हो इफ अगर मतलब उसमें है कितने एलिमेंट्स हैं 13, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, तो इसके सिर्फ दो ही होंगे, या तो वो 1/3 का होगा, सॉरी 1/13 का होगा, या फिर 13/1 का होगा। सिंपल, वही कि मतलब आप कौन कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 13 ला सकते हो, वो ही आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे, या फिर एक रो हो 13 कॉलम्स हो, या फिर 13 रो हो एक कॉलम हो, यही आपका क्या होगा ऑर्डर होगा जो आपका पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसमें भी, तो इसमें भी आपसे वही पूछा है कि आपके क्या है मतलब एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स उसके हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सेम इसके जैसा ही है। ठीक है, ऐसे देखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपका, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, यानी आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है, A इक्वल टू AIJ,
मैंने बताया था आपका मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है, उसको डिनोट करते हैं ए से, उसका अंदर किस में लिखा आता है स्मॉल ए आई जे। और आई जे क्या होता है कि उस एलिमेंट्स पे कौन से रो और कौन से कॉलम पे आता है वो आई जे की वैल्यू होती है, ठीक है। वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्म में हो सकता है, तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक आपका फॉर्म दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय टू, यानी आपको 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे इसके अकॉर्डिंग होंगे अलग अलग, ठीक है। अंदर तो इसका मतलब यह है कि आपको पहले 2x2 के जो मैट्रिक्स है वो ए आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A11, A12, A21 एंड A22, यानी रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया और इसके ईच एलिमेंट्स के जो टर्म्स होंगे वो यही तो होंगे। तो करना कुछ नहीं आप लोगों का बच्चों, क्या करना है, जो भी ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे मान लो मुझे फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड करना है, मुझे A11 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो I की वैल्यू कितनी है 1 है और J की वैल्यू भी कितनी है 1 है, तो जहाँ जहाँ I है वहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर दो और जहाँ जहाँ J है वहाँ भी 1 पुट कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट निकल के आ जाएगा। सेकेंड एलिमेंट फाइंड करना है तो क्या होगा, I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 2, तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ पे 1 और जहाँ जहाँ जे है वहाँ पे 2, ऐसे पुट करना है और हमें मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि सेम एज इट इज ऐसे ही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो हमें पहला फाइंड करना है A11, यानी आई भी 1 है जे भी 1 है इस वाले फॉर्म में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम आई का मतलब क्या हो जाएगा 1, जे भी क्या हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 1 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर बाय 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 बाय 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया A11 कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ तक सेम एज इट इज, हमें क्या फाइंड करना है A12, अब क्या फाइंड करना है A12, यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो यहाँ रखते हैं I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 स्क्वायर बाय 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 बाय क्या हो जाएगा 2, यानी जो A12 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9/2, ठीक है। यहाँ तक थर्ड आपका A21 हमें चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे A21, तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ये 2+1 का होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे सेम ऐसे आएगा 3 का स्क्वायर 2, फिर 3 का स्क्वायर फिर अपॉन में 2, 9/2, यानी जो A21 है वो भी कितना आ रहा है 9/2, ठीक है। A22 फाइंड करें अगर हम, तो A22 का मतलब क्या हो गया, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू भी 2, तो जाएगा 2+2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 4 16 बाय 2 कितना हो गया 8, यानी जो A22 आ गया वो कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तक हमारे पास चारों वैल्यूज आ चुकी हैं 1 2 3 4, अब क्या करना है आपको मैट्रिक्स को फॉर्म कर देना है, तो मैट्रिक्स कैसे फॉर्म हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 2 9/2 9/2 हो जाएगा आपका 8, और ये हो गया कितने का 2x2 का आपका ए मैट्रिक्स क्या हो गया फॉर्म हो गया। सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, आई जे की वैल्यू फॉर्म करनी है इसके अकॉर्डिंग और वही हमें पुट करना है, जो जो आपको जहाँ पे आई दिया होगा आई की वैल्यू, जहाँ जे दिया होगा जे की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक तो बच्चों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, तो अगर मैं 5 के बारे में बात करूँ, आपको क्वेश्चन 5 दिख रहा होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन जो है, तो उसमें बीच में आप दिख रहे होगे स्क्रीन पे क्या लगा हुआ है, ऐसे बॉक्स में क्या लगा हुआ, आई जे के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है आई जे के फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं मोड। मोड का मतलब ये है कि जब इस आप बॉक्स के इस लाइन के अंदर का जब आप सॉल्व करोगे, तो अगर मान लो आपका आंसर आता है माइनस में, कोई नंबर माइनस में आ जाता है या कोई नंबर आपका प्लस में आता है, तो आपका चाहे नंबर माइनस में आए चाहे प्लस में आए, आपको लेना हमेशा क्या है पॉजिटिव ही है, यानी मोड का मतलब क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। इसलिए वो बॉक्स का मतलब यही है कि आपको क्या करना है, जब आप सॉल्व करोगे आई जे की वैल्यू फॉर्म करके, जैसे मैंने ये कराया है, वैसे जब अगर माइनस में आता है तो भी आपको प्लस में लेना है वो नंबर, अगर प्लस में आता है तो भी आपको प्लस में ही लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दिख रहा होगा, मैं आपको एक साथ ही क्लियर करता हूँ क्योंकि दोनों का मेथड सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में इसमें क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से इसमें पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, या क्वेश्चन नंबर 7 में दिया होगा ABCD,
ए बी सी डी का आपका दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से आपको करना है ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसमें क्या दिया हुआ है कि दो मैट्रिक्स आपको इक्वल में दी हुई है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखी हुई है, राइट। आपके स्क्रीन पे जैसे दिख रहा होगा इक्वेशन के फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ से मैं आपको एक टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ पहले, कि टॉपिक का नाम है आपका इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स। टॉपिक्स का क्या नाम है? इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो एलिमेंट है, सॉरी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन, यानी इक्विटी का मतलब इक्वल, सब चीज़ इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर दो मैट्रिक्स आपके इक्वल में है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ईच एलिमेंट्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट, यानी जो भी एलिमेंट्स आप लोगे उसके जस्ट उसके ही एलिमेंट्स के क्या होगा, इक्वल होगा। इसी मेथड का, इसी थ्योरम का यूज़ करके क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में से सेकंड क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन जो 7 के जैसा ही है, तो इसलिए आपके दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इससे आपका एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 की, तो वह MCQ टाइप के जो मैंने आपको मेथड समझाया था वो उसी के बेस पे, जो आपका इंट्रोडक्शन दिया था तब से खुद सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन समझाने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, ये आपका एक मैट्रिक्स है, आपका एक सेकंड मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में साइन लगा हुआ है इक्वल का। तो इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स का हम यूज करेंगे किसके ईच एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस बाय थ्योरम से हम यूज कर सकते हैं, अगर मैं लिखूं तो ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि जो एक्स प्लस वाई होगा वो इक्वल कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 2/2 हमें इसका कुछ यूज तो है ही नहीं, हमें इसकी वैल्यू भी नहीं निकालनी, 2 ऑलरेडी इक्वल है ही, तो हम इसकी वैल्यू को नहीं लेंगे। यहाँ पे ले लेंगे, देखो 5+z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ जो एक्स वाई होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, 8, ठीक है। यहाँ तक अब मैं अगर देखूँगा, अगर मैं नाम दे दूँ, जैसे आपने 10th में सॉल्व किया होगा इक्वेशंस को, सॉल्व किया होगा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, हमें वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड की। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को देखूँ पहले, जैसे आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ये क्या दिया हुआ है, 5+z इक्वल टू 5, तो मुझे जेड की वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये 1 वेरिएबल में है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 5-5, कैंसिल हो गया माइनस में, कैंसिल, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। सिंपली करना कुछ नहीं है, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करना है, यानी इसके हर एक एलिमेंट अपने एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। उसी से हमें इक्वल को लिखना है, और इक्वेशंस को सॉल्व करने से हम 10th में हम सॉल्व करते हुए आए, ठीक है, 2 वेरिएबल में या फिर 1 वेरिएबल में आपने सॉल्व करना सीखा होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 की। जैसे अगर 1 और 3 की अगर हम बात करें, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, चाहे तो आप इससे या फिर इससे किसी एक की वैल्यू निकाल लूँ, किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 से, इस वाले इक्वेशन से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ किसकी, चलो एक्स की निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/y मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। तो इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, यानी जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 8/y, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 8/y। तो 8/y आप ऐसा लिख दो, 8/y फिर प्लस वाई इक्वल टू 6 अपॉन में 1 लेके आप एलसीएम ले सकते हो, ये हो गया y, ठीक है, ये हो जाएगा 8+y² इक्वल टू 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 8+y² ये है y² यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल क्या हो जाएगा आपका 6y। अब ये बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 10th में सॉल्व किया होगा, 9th में भी सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ये y² - 6y + 8 इक्वल टू 0, यानी मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, माइनस में हो गया। अब सॉल्व कर लो इसको, यानी रूट्स जैसे मिडल टर्म को चेंज करके करते हैं उससे कर लो, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लेते हैं कौन सा हमारा यूज़ होगा। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके हमें कितना लाना है, 8 लाना है, प्लस करके हमें 6 लाना है, मल्टीप्लाई करके 8 लाना है, प्लस करके 6 लाना है। तो आपको पता है, आप इसको लिख सकते हो y² = 4+2y + 8 = 0, 4 2 8 और 4 2 6 होता है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, y² - 4y - 2y + 8 = 0,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाई कॉमन, तो वाई माइनस फोर, माइनस का टू कॉमन, तो वाई माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक फोर और एक टू, क्योंकि y माइनस फोर आप इक्वल में रखोगे ज़ीरो तो फोर आएगा, y माइनस टू रखोगे तो टू आएगा। y की दो वैल्यू आ रही है, y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इस y के वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम यहाँ पुट कर देंगे, ताकि x की भी दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो पहले y इक्वल टू हम फोर रखते हैं, तो हो जाएगा x इक्वल टू एट अपॉन फोर, तो फोर टू ज़ा एट, तो x की वैल्यू टू आ गई। अब हम y इक्वल टू अगर टू रख दें तो हो जाएगा x इक्वल टू एट अपॉन टू, और टू फोर ज़ा एट, तो x इक्वल टू क्या हो गया, फोर आ गया। तो हो गए आपके x, y एंड z की वैल्यूज़। तो सिंपली ऐसे सॉल्व करना है, करना कुछ नहीं है आपको, इक्वेशंस फॉर्म करनी है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में, जो बहुत ही ज़्यादा इजी। आपको क्या करना है, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स अभी आपको मैं समझाया है, उसी का यूज़ करना है। ओके बच्चों, तो अब होता है आपका एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने एक्सरसाइज 3.2 में नए टॉपिक और नए मेथड के साथ। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन में प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। ओके बच्चों, मिलते हैं, थैंक यू।